नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लगभग एक साल होने को है जब कोरोना महामारी ने देश सहित पूरी दुनिया में पहली बार दस्तक दी। तब से लेकर आज तक सभी जूझ ही रहे हैं। हालांकि अब कोरोना के वैक्सीन भी आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना का नया वाला स्ट्रेन पुराने वाले से भी बहुत खतरनाक है। पिछले साल के अंत में इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में एक नए कोरोना वायरस का पता चला था। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने इस नए रूप को मौजूदा कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया है। फिलहाल इसके कई लक्षण सामने आए हैं और अभी इस पर शोध चल रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के नए रूप में लक्षण भी आम कोरोना से भी मिलते जुलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक यानी कि ONS की हालिया रिपोर्ट में नए और मौजूदा कोरोना वायरस के लक्षणों को लेकर डेटा तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों में इन दोनों रूप के लक्षण पाए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस नए वेरिएंट के संबंध में आम लक्षण क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुखार जैसे लक्षण की। ONS के द्वारा हाल ही में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार अध्ययन में शामिल लगभग 19% रोगियों ने मूल लक्षण बुखार का अनुभव किया, जबकि 22% मामले नए लक्षण से जुड़े थे। दूसरा लक्षण है खांसी, और इसी तरह जो रोगी कोरोना के नए लक्षण की चपेट में थे उनमें मूल लक्षणों से संक्रमित लोगों की तुलना में खांसी के लक्षण वालों का अनुभव होने का प्रतिशत अधिक था। रिपोर्ट के अनुसार 28% ने मूल संस्करण में योगदान दिया, जबकि 35% मामलों ने UK संस्करण में योगदान दिया। अगला लक्षण है सांस लेने में तकलीफ। आपको बता दें कि सांस की तकलीफ कोरोना वायरस के सबसे आम लक्षणों में एक है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा या फिर नए कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में इस लक्षण को लेकर कोई अंतर नहीं पाया गया। इसके बाद आता है मांसपेशियों में दर्द। मौजूदा कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में से 21% में मांसपेशियों में दर्द दिखे, जबकि 24% मामलों में UK स्ट्रेन से संक्रमित एक ही लक्षण के लिए अति संवेदनशील थे। सिर दर्द कोरोना वायरस के आम लक्षण हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि कोरोना के इस लक्षण के रूप को लेकर अध्ययन ने दोनों रूपों को लेकर कोई अंतर नहीं पाया है। अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार 22% के साथ गले में खराश उन लोगों में अधिक थी जो मूल संस्करण से जुड़े 19% की तुलना में कोरोना के नए रूप से पीड़ित थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्रकार के समूहों द्वारा अनुभव किए गए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लक्षणों के प्रतिशत में कोई अंतर नहीं था। बहरहाल कोरोना का नया रूप ज्यादा घातक माना जा रहा है। यदि आपको लगातार खांसी, बुखार, थकान या गंध और स्वाद की भावना है तो आपको स्वयं का निदान करना चाहिए। लक्षण महसूस होने पर अपने आप को अलग करें और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपके द्वारा छुए सभी स्थानों को कीटाणु रहित करें। इसके अलावा यदि आप छाती में दर्द, मानसिक भ्रम, सांस की तकलीफ और अन्य गंभीर जटिलताओं का अनुभव करते हैं तो चिकित्सीय सहायता जल्द से जल्द लें। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।